आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मथुरा की 5 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है और इससे चुनाव में जनपद के 190 बूथों का मतदान नेट के जरिए लाइव देखा जा सकेगा। इसके लिए इन बूथों से वेब कास्टिंग कराई जाएगी और ये वेब कास्टिंग जनपद के जन सुविधा केंद्रों के संचालकों के माध्यम से कराई जाएगी, जिनकी एक बैठक रविवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी आरपी अग्रवाल भी मौजूद रहे, जिनके द्वारा जन सुविधा केंद्र संचालकों को वेबकास्टिंग के लिए तैयार रहने के निर्देश देते हुए उसका सामान्य प्रशिक्षण दिया गया कि उनके द्वारा यह वेबकास्टिंग किस प्रकार की जाएगी। बैठक के बाद अपर जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा जिस एजेंसी को वेबकास्टिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, आगामी दिनों में उसके प्रतिनिधि और आकर जन सुविधा केंद्र संचालकों को प्रशिक्षित करेंगे। 11 फरवरी को मथुरा जनपद में मतदान होना है। मतदान के दिन कुछ बूथ जो क्रिटिकल बूथ हैं उन पर वेबकास्टिंग होनी है। वेबकास्टिंग कराने के लिए टेक्निकल लोगों की आवश्यकता थी, जिसके लिए आज जन सुविधा केंद्र और सीएससी के सभी ऑपरेटर्स को बुलाया गया था और उन्हें एक संक्षिप्त ब्रीफिंग दी गई है और ये बताया गया है कि जो एजेंसी नामित है उससे वो टैबलेट लेकर के 10 तारीख को जाएंगे और एक सहज ऐसे स्थान पे जहां पर बूथ पर एंट्री करने वाले हर वोटर का वीडियो बन सके अपना इंस्टॉल करेंगे और वेबकास्टिंग में पूरा सहयोग करेंगे। इसलिए सारे सीएससी और जन सुविधा केंद्र के लड़कों को ब्रीफ कर दिया गया है और इनकी अगले 2 या 3 तारीख में विधिवत ट्रेनिंग दी जाएगी और 10 तारीख को इनको इलेक्शन के लिए भेजा जाएगा।